Subscribe now to receive new updates every day. गौतम गंभीर बन रहे हैं कोच, इस तारीख से संभालेंगे टीम। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर अपने करियर में पहली बार किसी टीम के मेंटर बनने की योजना बना रहे हैं। दो बार की विश्व विजेता भारतीय टीम के सदस्य रह चुके गंभीर तमिलनाडु प्रीमियर लीग के अगले सत्र में मेंटर की भूमिका निभाने की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर की कुछ फ्रेंचाइजी से बातचीत चल रही है। इस मामले में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अगले महीने वो एक टीम की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बकौल गंभीर, हाँ, कुछ फ्रेंचाइजी के साथ मेंटर की भूमिका को लेकर मेरी बातचीत चल रही है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस टूर्नामेंट में खेलने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह टूर्नामेंट आगामी भारतीय युवा प्रतिभाओं के लिए है। यह क्षेत्रीय प्रतिभाओं का मंच है। मैं TPL में खेलकर किसी युवा प्रतिभा को नहीं रोकना चाहता। चंद पैसों के लिए देश की प्रतिभा को पीछे नहीं कर सकते। गौरतलब है कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग के मेंटर की भूमिका के लिए कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कतार में हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूजनर को वाइकिंग्स के कोच हैं। वहीं पूर्व भारतीय खिलाड़ी रॉबिन्सन कराइकोडी काली के मेंटर हैं। पिछले वर्ष ब्रेटली ने कांची वॉरियर्स का मार्गदर्शन किया था तो माइकल बेवन ने मदुरई सुपर जायंट्स के साथ जुड़े हुए थे। गौतम गंभीर IPL के दौरान शानदार फॉर्म में रहे थे। इस दौरान उन्होंने 498 रन बनाते हुए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर रहे थे। IPL में गंभीर ने 122 मैचों कप्तानी भी की है, जिसमें उनका जीत प्रतिशत 56.56 है। अगर वे किसी फ्रेंचाइजी के कोच बनते हैं तो उनके करियर में ऐसा पहली बार होगा। गौरतलब है कि गौतम गंभीर का करियर अभी भी चल रहा है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पिछले वर्ष हुई टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में मौका मिला था, लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता नहीं होने की वजह से वापस जगह नहीं मिली। उनके IPL प्रदर्शन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठी थी। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट। We'll be right back.